हम अपना फैसला कर चुका है, नहीं बदलेगा। मुझे तुम्हारा फैसला लेने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन ऐसे अचानक फैसला कर लेना, इस पर एतराज है मुझे। देखो कुछ दिन सोचो समझो, दूसरे लोगों से भी मशवरा लो। बाजी सच बताए, हमारे दिमाग में जो एक बार बात बैठ जाता है वो इतनी आसानी से निकलता नहीं है। हम आपसे झूठा वादा नहीं कर सकते। बात आलमगीर की नहीं है, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। अब चाहे रब रूठे या जग रूठे, हम वही करेगा जो हमारा दिल चाहेगा। आज मैं तुम्हारी बातें सुन के हैरान हो रही हूँ। तुम तो सीधी सादी भोली भाली सी बेवकूफ सी लड़की, हर किसी की बात को ऐसे आंखें बंद करके यकीन कर लिया करती थी, और आज तो तुम ऐसे जिद पे अड़ गई जैसे चट्टान। जब से हमने ये फैसला कर लिया ना, हमारा दिल बहुत खुश और मुतमईन हो गया। तुम्हारे माँ बाप को किसी और से पता चले या अचानक उन्हें ये खबर मिली, बेहतर होगा कि तुम खुद फोन करके उन्हें बता दो। जब हम उनकी बात माननी नहीं है और वो हमारी बात सुनेगा भी नहीं, तो फिर क्यों बताया हम उनको? अब जो होगा हम खुद देख लेगा, सबको पता चल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रुक सकते, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम आलमगीर की मोहब्बत में इतनी डूबी हुई थी और आज अचानक। मोहब्बत और नफरत तो फिर ऐसे ही होता है, और दोनों पर इंसान का इख्तियार भी नहीं रहता। कल तक मोहब्बत में बेबस था और आज नफरत में। तो फिर उसके साथ रहने में कोई मसला तो होना ही नहीं चाहिए। किसी के रवैये की तकलीफ तब होती है जब हम उससे प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। ये लफाफा रख लो, इसमें इस महीने का रेंट है। हमने मालिक मकान को फोन कर दिया, वो कल आके तुमसे ले जाएगा। साहब से क्या कहूँ बाजी, उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमने उसको फोन करके बता देगा। ये तुम्हारा तनख्वाह, ये मालिक को दे देना, ड्राइवर को और चौकीदार को, सबको दे देना। जी बाजी। मैंने कुछ कपड़े निकाल के स्टोर में रखे हैं, वो जिसको चाहिए उसको दे देना या तुम रख लेना। जी बाजी। आप वापस नहीं आएंगी? नहीं। हाँ बस निकल रहा है। हाँ। अच्छा तुम ये ले जाओ, हम आते हैं। देखो पलवशी, ऐसा नहीं होता है जिस तरह तुम कर रही हो। हमने क्लाइंट से तुम्हारे नाम का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुमको जब हम ये काम दे रहे थे तो हमने तुमसे पूछा था कि तुम इन तारीखों में हमारे साथ काम कर सकती हो या नहीं, और तुमने हाँ कही थी और तुमने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। तुमने जुबान दी थी, कोई जुबान देकर फिरता है क्या? हाँ ये गलत है, मगर हम क्या करें, हमको नहीं रहना यहाँ पे। तुम बहुत अच्छे दिल की लड़की हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। वो प्रोड्यूसर खामोश नहीं बैठेगा, वो तुम्हारे खिलाफ केस कर देगा। केस? हाँ, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तुम अभी तो नाराज होकर यहाँ से चली जाओगी, गांव जाओगी तो पुलिस वहां पर आकर तुम्हें पकड़ लेगी, और तुम्हारी गांव में क्या इज्जत रहेगी, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे शहर में ये इज्जत है? तो फिर हम क्या करें? कुछ दिन ठहर जाओ, पहले अपना काम मुकम्मल कर लो, फिर तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम तुम लोग का काम कर देगा, लेकिन हम आलमगीर को कभी माफ नहीं करेगा। तो ना करो, उसके लिए तुम्हें शहर और अपना काम छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो तुम कहीं भी रह लो। गुलबकाई, ओ गुलमकाई, आखन,
इसको तैयार करके हमारे पास भेजो। आज तुम परेशान क्यों होता? वो खूबसूरत है, नौजवान है, फिर तुम्हारे काम भी आएगा। अब उसको तुम गुलबास के दिल से नहीं निकाल सकते है ना? दिल जलाने से बेहतर बोल मकई, अब तुम सफर करना सीखो। अगर तुम ये जानता है कि रेशम इधर है तो तुमको भी अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। तुमको भी अपनी तकलीफ और दुख को अंदर छुपा कर रखना होगा। मार दिया रेशम को, मार दिया। हमको क्यों नहीं मारा? हमको जान से क्यों नहीं मारा? हमको गोली क्यों नहीं मारा? नहीं, नहीं, मैं तुम जैसा बेगैरत के ऊपर अपना गोली भी जाया नहीं करूंगा। तुम्हारा चेहरे पर धोखे को भी जी नहीं चाहता है। हाँ, कभी मैंने तुम्हारा ख्वाहिश जरूर किया था, मगर अब नहीं, नहीं। अब मैं तुमको ऐसा सजा देगा, तुम सारा जिंदगी इधर जिंदा रहकर मरेगा, तड़पेगा, सड़ेगा, चीखेगा। खुदा का वास्ता, हम पर ऐसा जुल्म ना करो। नहीं, हम पर गोली चलाओ। हमको हमारा जान, हमको रिवॉल्वर दे, हम अपना जान नहीं लेना। खुदा का वास्ता, हम तुम्हारा गुनाहगार है, तुम हमको जो सजा देगा हम भुगतेगा। तुम हम गांव वालों को हवाले नहीं करना। खुदा का वास्ता, हमको जान से मार डालो। पता चल गया तुमको अपनी औकात का? उठ,
आज से तुम इस चारपाई पे नहीं बल्कि बाहर ये फर्श है ना, इसकी जमीन पे सोएगा। इधर अगर तुमको इस चारपाई का कदर होता ना, तुम्हारा ये हाशर ना होता। उठ उठ उठ, चल चल चल, शाबाश, चल 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 चल। हम घर वापस आया तुम हमको वेलकम नहीं करेगा? वेलकम उनका किया जाता है जिनको अलविदा भी खुशी से किया जाए। तुम अपनी मर्जी से गया था और अपनी मर्जी से आ गया। तुमको हमारा बिल्कुल भी याद नहीं आया? तुम क्या सुनना चाहते हैं वो हमको बता दो, हम बोल देगा। हम इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं और तुमको देख, थोड़ा तो मीठा बोल। जिनका जिंदगी करवाओ जाए ना, उनका जुबान मीठा नहीं रहता। हम अभी बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहते, हमको बहुत भूख लगा है। हम नसरीन को कहते हैं मार ले कुछ बनाए। तुम बैठो, हम बना के लाते हैं। तुम्हारा ये याद है तुमको अच्छा लगता है। तुम्हारे अंदर से अभी तक गांव का औरत मरा नहीं है। तुम ले आओ खाना, हम साथ बैठकर खाएगा। कैसे बेफिक्री की नींद सो रहे, जैसे तेरे बाप का घर। तू जब तक जिंदा है ना, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। जो कहेगा हम करेगा। चल नाश्ता बना हमारे लिए, चल उठ। वाह गुलमखई, इससे जो काम लेने ले लो। इसका जिंदगी का थोड़ा सा दिन रह गया, मरना तो इसको है। क्या मतलब, क्या हाँ कल तो तुम कह रहा था कि इसको मौत की नहीं जिंदा रखने की सजा देगा। बाकी ऐसे गुस्से में मुंह से निकल गया होगा। गुस्से में मुंह से निकली बात अच्छी बात, अभी तो इसके ना आगे है ना पीछे कोई पूछने वाला, और जो था उसको तो तूने मार डाला ना। अच्छा सबक सिखाया है इस पूरे गांव वालों को तुमने। अब ना कोई लड़की और ना कोई लड़का ऐसा सोचे। ठीक है गुलमखई, इसका फैसला तो अब जिरगे के हाथ में। जगह जो फैसला करेगा हमको मानना पड़ेगा। खान सबको पता है हमारे घर में काम काज का कितना मसला है, मारना तो बहुत आसान हो जाएगा ना, इसको जिंदा रखना है ना? तुम फिक्र ना करो, हम उसको ऐसा रखेगा कि वो
रोजाना मरने की दुआ मांगेगा, लेकिन हम उसको मरने नहीं देंगे। अमानुल्लाह खान, मैंने तुम्हारे सामने अपना मसला रखा है, तुम कुछ बोलो तो सही। क्या बोले यार, तुमने तो हमको बड़ा मुश्किल में डाल दिया। ना कोई तुम्हारे पास आया था कि आओ और ये फैसला हमसे कराओ, तुम्हारा मर्जी से हमने जरगा बुलाया था, अब मैं किस मुंह से जाकर उनको कहूंगा कि तुम लोगों का फैसला मंजूर नहीं है। मैं सजा की माफी के लिए तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि जैसा किसी बंदे को फांसी का सजा होता है, किसी दूसरे बंदा को उम्र कैद का सजा होता है, ऐसे ही जिंदा रखना भी सबसे बड़ा सजा होता है। हमने तो ये सोचा था कि लड़कियों को ऐसा सजा देंगे कि बहुत अरसे तक पूरे इलाके में लोगों के दिलों में दहशत रहे। मैं भी यही चाहता हूं। अच्छा तो तुम अपना बड़ा बीवी और अपना खिदमत उससे कराना चाहते हैं? हाँ, मगर मैं रेशम को बीवी का दर्जा देकर खिदमत नहीं करवाऊंगा। चार जुआरी के अंदर रख कर इससे लोगों को क्या सबक हासिल होगा? लोग तो यही समझेंगे कि तुमने बीवी को घर में रखकर उसका बड़ा इज्जत एहतराम कर दिया। जितना इज्जत के साथ मैं उसको रखिएगा ना, वो तो सबको मालूम हो जाएगा। वैसे गुलबाग यार एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जवान बीवी का हुस्न देखकर तुम्हारा नियत बदल गया है? उसका हुस्न पर थूकता है, समझ गया। अच्छा ठीक है, दरगे में जो जो लोग मौजूद था, हम खुद जाकर तुम्हारा बात उसको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर वो लोग मान गया तो हमको कोई इतराज नहीं। मेरा मालिक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। घर में सब खैरियत है ना? अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ, आलम सेब ने अभी हमसे कोई बात नहीं किया। तुम भी ना बड़ी उल्टी खोपड़ी की हो, कभी कुछ होती हो कभी कुछ, या तो तुम्हारा इतना दिल खराब हो जाता है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जाने की बातें करने लगे। और अब क्या कर सकते हैं, दिल तो खराब होता है, मजबूरी में काम कर जुबान दिया हुआ, नाम कब का चला जाता। आलम सेब की वजह से मैं आने रुका। तो फिर क्यों उसको अपनी सारी कमाई दे रही हो? तुम्हें पता है वो तुम्हें दोनों हाथों से लूट रहा है, तुम्हें पता है इतनी मुश्किल से सारा पैसा तुम्हारे हाथ में आया और अब वो। बलबशर तैयार हो जाओ, तुम्हारा शॉट रेडी होने वाला है। जाके कह दिया माता, ये जो तुम कर रहे अच्छा बात नहीं। मैंने क्या किया? हमारे घर में आग लगा रहे, बीवी को भड़का रहे और हमको आके पूछ रहे मैंने क्या किया। देखो वो मेरी दोस्त है और मैं सिर्फ उसे समझा रही हूँ। तुम अपने घर में कैसे रहते? मेरा मतलब है अपने शोहर के साथ तुम्हारा कैसा ताल्लुक वस्त है? कभी हमने तुम्हारे बीच में आके कोई बात पूछा?
तुम्हारे किसी मामले में हमने बात किया है तो तुम क्यों आ जाते हर दूसरे दिन हमारे बीवी का कान भरने? देखें, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अभी किया नहीं है, लेकिन कर भी सकता है। पर अपना इज्जत प्यार है तो हमारी मासूम बीवी को भड़काना छोड़ दो। तुमको नहीं पता है, तुमको कुछ भी नहीं पता है हमारे घर का रस्म रिवाज क्या है। इधर शहर में तो तलाक देते और तो फिर भी घूम रहा होता है। हमारे घर में, हमारे गांव में अगर किसी को तलाक हो जाए तो वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे किसी औरत के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं? हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, नाफरमान औरतों को कत्ल भी कर देते हैं। अभी तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें प्यार मोहब्बत से समझा रहा है, हमारा बीवी का पीछा छोड़ दो, उसको भड़काना छोड़ दो। मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती। अभी एक बात और सुन लो, हमारा बीवी से मिलना जुलना खत्म कर दो, समझ आ गया? देखो, वो मेरी दोस्त है और दोस्ती रखो ना। तुमको किसने मना किया? अपनी हैसियत के मुताबिक दोस्ती रखो, अपने मोहल्ले में जाओ, रखो दोस्ती। हमने मना किया? मगर तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारा बीवी का पीछा छोड़ दो। हेलो, हाँ जैन बात कर रहा है? जैन, हम आराम से बात कर रहे हैं। अभी रुको, सलाम दुआ के लिए फ़ोन नहीं किया है। तुमको ये बताने के लिए फ़ोन किया, अपनी बीवी को समझा लो, हमारी बीवी से मिलना जुलना छोड़ दें। हमारा मर्जी, हम जैसे भी बात करें, तुम हमारा बाप लगते हैं? अभी तुमने हमारा मेहमान नवाजी देखा है, हमारा दुश्मनी नहीं देखा है? हेलो, देखो हमारा बात सुनो, गौर से बात सुनो। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि हमसे दुश्मनी नहीं रखो। अपनी बीवी को समझा दो कि वो आइंदा हमारे घर में नजर नहीं आना चाहिए और वो पलवशा को भी नहीं भुलाए। अगर तुम अपना खैर खैरियत और अपना जिंदगी चाहते हैं तो तुमको जैसे बता रहे वैसे कर लो, इसी में तुम्हारा बेहतरी है। अगर हम तुमको घुमाने ले जाता था तो ठेले पे खड़ा होके तुम खाना खाता था, उस वक्त तुम कितना खुश होता था। आज हमें इतना अच्छा जगह लेकर आए, फिर भी तुमने कहा हमारे साथ चलो और हम आ गया और खाना भी खा रहा और क्या करें। जब तुम अच्छे से तैयार होता है, हंसता है, खुश होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब तो तुम्हारा हंसी देखने को भी तरस गया है। पता नहीं किधर गुम हो गया तुम्हारा हंसी। तुमको हमसे इतना शिकायत क्यों हो गया? अब कोई शिकायत नहीं करेगा। हमको मालूम है तुम हमसे इसलिए नाराज है ना कि हम तुम्हारे लिए अपना घर नहीं बना सकते। वो भी बन जाएगा, क्या मसला है, 5-6 साल लगेगा, बन जाएगा। 5-6? हम तो 2 महीने बाद काम छोड़ रहे हैं। हम देखो इधर खाना खाने आए, तुम ऐसा बात नहीं करो जिससे हमारा दिल जले। और हमारा दिल? तुम कितना नाशुक्र है, खुदा ने क्या नहीं दिया तुम, हर चीज से नवाजा, फिर भी पता नहीं किस बात का गम है तुम। जो हम चाहता था वो तो हमको मिला ही, और जो मिला उससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। शुक्र अदा करो खुदा का बंदी। हम तुमसे एक बात पूछे? हाँ, पूछो। तुमने सारा बाजी को क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? ऐसे उठ के चला गया, हमारा फोन भी नहीं उठाता।
परेशान है। हमको ऐसे लगता है कि इससे पहले हमारा झगड़ा मगड़ा हो जाए इधर, जल्दी जल्दी खत्म करते निकलते इधर से, सही है? जल्दी जल्दी कॉल। अच्छी तरह से ख्याल रखना। चलो जल्दी जल्दी से कपड़े दो, हम इधर ही बैठी है। कितने दिनों बाद आराम मिला। ये लड़की काम तो अच्छा करती, लेकिन अगर इसका किरदार भी अच्छा होता तो ये हीरा होती है, मांस हीरा। गुलमकई, एक खोले का बोरी एक खोले का, अपना हाथ मुंह खाला खड़े, इसको अपने साथ रख। कालक तो जितना हमारे मुंह पे लगने था लग चुका, अब इसकी एक ही सजा है। इससे बदला लेना है, गुलाम बना के रखेगा उसको, गुलाम। जितने दिनों तक इससे अपना खिदमत ले सकते हो ले लो, आगे क्या होता है कुछ मालूम नहीं। खान, अमानुल्लाह से बात किया था तुमने? अमानुल्लाह खान से मैंने बात की थी, उसने दूसरे खानों से भी तो बात करना, देखिए क्या होता है। अभी फैसले में कुछ वक्त है। अच्छा, ये तुम किधर जाते है? तो फिर इसको बांध के जाओ ना, हमारा कुछ पता। आग लग गई तो सो जाए। सुना है हर दुआ उसी की असर करे। ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुमको एक सोने का पड़ा है। तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले, थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले, गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में, छाई रही खिजा हम पे बहारों में। तुम काब तो बहुत दिखाता है, मगर तुम पूरा कैसा करेगा? हमारा प्यार ख्वाब नहीं रेशम, जिंदगी है, और जिंदगी सबसे कीमती होता है। हमसे भी ज्यादा। अगर जिंदगी ने तुम्हारा साथ दिया तो तुमसे ज्यादा नहीं, और अगर जिंदगी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो फिर जिंदगी भी कीमती नहीं, ना ही तुम। हमने तो सोचना भी छोड़ दिया कि हमारे जिंदगी में कोई और मर्द आ भी सकता है। माने भी नहीं देगा। झूठ, बंदूक तो तुमसे चलता ही नहीं है। गोली कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता,
कुर्बानी दिल में जगह बनाता है। हम कुर्बानी तो दे सकते हैं मगर किसी का जान मान नहीं ले सकते। यही तो तुम्हारा बात है जो हमको तुम्हारे पास खींच ला। बड़ी जवानी चढ़ा तुम पे, हाँ? नींद पूरी कर रहे, ये सारा काम कौन करेगा? चलो चलो जल्दी 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 चलो। ये क्या है? ये तुम्हारा गाय है? मगर ये तो इंसानों की तरह चलता है। ये गाय बकरी तो बहुत इज्जत वाला जानवर है। तो फिर ये क्या है? ये वो जानवर है जो हराम है, मुंह से भी नाम नहीं लेते हम तो इसका। चलो जल्दी 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 करो, खाना पकाओ हमारे लिए। हमको खाना देगा? हाँ खाना मिलेगा, जब खाना पक जाएगा तो तुमको भी दे देगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम बोलते? हाँ। हमारा दो बच्चा दोनों गुम हो गए, हमको नहीं मिलता। तुमको पता है वो कहाँ है? एक का नाम दिलावर है और एक का सरदार। ये क्या किया तुमने? सारा अटल को गिरा दिया। ए खुदा का रिज़क है रिज़क, ये तेरा दिमाग किधर रहता है? क्या क्या पगली को गूर गूर के देख रहे? इसके शक्ल में तुझे तेरा आशिक नजर आ रहा है? तुम क्यों मारता है इसको? तुझको तुझको बड़ा तरस आ रहा है सुबह, हाँ? ये तेरे दोनों बेटों को भून के खा गया है। ये डायन है? हाँ ये डायन है, डायन। किसी का जिंदगी खा लिया और किसी का इज्जत। चल तुम डायन, तुम डायन है, हमारा बच्चा कहाँ गया? हमको वापस कर दो हमारा बच्चा, हमको वापस कर दो हमारा बच्चा, हमको वापस कर दो। ये कैसे वापस कर देगा? हाँ ये कैसे वापस करेगा? कहाँ से लाए गए तुम्हारे बच्चे? हमने बोला ना ये खा चुका है, उनको खा चुका है। उसको इस हालत में लाने वाला ये। चलो उठो और इधर से उठो, चलो हम कह रहे उठो यहाँ से, उठो उठो उठो। चुप करो गुल मकई अम्मा, इस बेचारी पे तरस होगा, इसके अपने होश में नहीं है ये। चलो यहाँ से, चलो इसको मत धक्का मारो, मत धक्का मारो, चलेगा ये यहाँ से, चलेगा 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 यहाँ से। चलो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, ये तुमको मार देगा अम्मा, यहाँ से उठ जाओ। चलो तुमको हमारा बच्चा मिले तो हमको वापस कर देना। चलो हम कहते हैं यहाँ से, चलो देखो, चलो चलो। बच्चा बच्चा बच्चा, बड़ा याद आ रहा है तुमको तुम्हारा बच्चा? हमारा दिल। चलो चलो चलो, हमने उसको मार दिया, चलो यहाँ से दफा, चल 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 यहाँ से चल। जल्दी से खाना पकाओ हमारे लिए, वरना हम तुम्हारी छांगे तोड़ देगा। गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में, छाई रही खिजां हम पे बहारों में।